दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों के साथ जमानत दी। अब जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनकी ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है। आज केजरीवाल सुबह राजघाट और हनुमान मंदिर जा सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तब पार्टी के भीतर काफी उथल पुथल मची थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आम आदमी पार्टी अब बुरी तरह से यूनाइटेड हो गई है और उसके टॉप 3 नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। अब जेल से बाहर आने के साथ ही केजरीवाल की चुनावी परीक्षा भी शुरू हो गई है। हरियाणा में चुनाव प्रचार चरम पर है, ऐसे में केजरीवाल के सामने सबसे बड़ा टारगेट हरियाणा में अपना खाता खोलना है। केजरीवाल को मिली बेल, आपकी हो गई बल्ले बल्ले। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही। जेल से आते ही केंद्र पर हमलावर केजरीवाल। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। 177 दिन जेल, 100 गुना ताकत लाए केजरीवाल। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के। तिहाड़ जेल में अपने शुगर लेवल पर हाय तौबा मचाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए तो एकदम फिट एंड फाइन हो गए। केजरीवाल देश के ऐसे पहले नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल गए थे और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ही जमानत पर जेल से बाहर भी आए हैं। केजरीवाल पहले कहते थे कि उनके खून का एक एक कतरा दिल्ली के लोगों के लिए है, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि उनके खून का एक एक कतरा भारत के लोगों के लिए है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। केजरीवाल अपनी ताकत को भले ही 100 गुना बढ़ाकर बता रहे हों, लेकिन पिछले 6 महीने में आम आदमी पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजरी है, ये भी उतना ही सच है। इस दौरान केजरीवाल एंड कंपनी में 3 बड़े बदलाव भी हुए हैं। पहला, केजरीवाल की किचन कैबिनेट की मेंबर स्वाति मालीवाल अब आम आदमी पार्टी से दूर हो चुकी हैं। दूसरा, अन्ना आंदोलन के वक्त से केजरीवाल के साथ रहे दिग्गज दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम अब पाला बदल चुके हैं। तीसरा, लोकसभा में आम आदमी पार्टी 0-3 पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर मुहर लगने के बाद ठीक शाम 6:23 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले। जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का हजूम इकट्ठा था जो ढोल नगाड़े और बैंड बाजा बजा रहा था। केजरीवाल के स्वागत के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पार्टी के तमाम दूसरे नेता तिहाड़ जेल के बाहर खड़े थे। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार रही। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है। देश के अंदर कुछ लोग
कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोई कोशिश कर रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसलिए। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। रिहा होने के बाद केजरीवाल का जेल से घर तक जोरदार स्वागत किया गया। घर के बाहर अरविंद केजरीवाल के स्वागत में आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए। घर के बाहर राघव चड्ढा ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद घर के अंदर गए तो केजरीवाल की मां ने उनकी आरती उतारी, तिलक लगाकर स्वागत किया। केजरीवाल ने भी माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जमानत को बड़ी जीत बता रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जमानत के लिए कोर्ट की लगाई शर्तों पर गौर करना चाहिए। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। दो मांगे थी, पहली ये कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है इस पे एडजुडिकेट हो, दूसरी मांग उनकी थी बेल की। इसलिए यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाल के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 6 शर्तों के साथ जमानत दी है। पहली शर्त, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तीसरी शर्त, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। चौथी शर्त, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। पांचवी शर्त, जांच और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। और छठी शर्त, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। यानी केजरीवाल दिल्ली के सीएम तो रहेंगे, लेकिन सिर्फ नाम के, काम के नहीं। यही वजह है कि बीजेपी अभी भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल करेक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है उससे ये कोसों दूर हैं। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं, अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश आई है, लेकिन 5 महीने पहले दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले केजरीवाल के लिए अब वही कांग्रेस चुनौती बनती दिख रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को पूरी तरह से लीगल बताया है। इसका मतलब साफ है, उनके खिलाफ सबूत हैं। माननीय केजरीवाल जी ने अनेकों बार इसके लिए कोशिश की,
फाइनली कई बार रिजेक्ट होने के बाद आज उनको बेल मिली है। तो लॉ है, लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, जैसे तो कोई क्लीन चिट मिल गई हो या वो इस पूरे केस से बरी हो गए हों, ये कोर्ट ने स्पष्ट भी किया है कि जो इनकी गिरफ्तारी थी, जिसके ऊपर हमें अक्सर लगता था कि कई बार टाइमिंग के ऊपर होता था कि शायद टाइमिंग गलत थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इनके खिलाफ़ एविडेंसेस थे और उसको सही ठहराया है।